होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा की कृषि उपज मंडी में हम माल का काम करने वाले संजय कैथवास की 5 वर्षीय बालिका अचानक एक GBS नामक बीमारी की चपेट में आ गई, जिससे धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और यदि समय पर इलाज ना हो पाए तो इससे मरीज को लकवा तक हो जाता है। फिलहाल 5 वर्षीय बालिका भोपाल के एक अस्पताल में ICU में भर्ती है, जिसका उपचार जारी है। जिसकी जानकारी मिलते ही होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह के द्वारा उक्त बालिका की सहायता के लिए पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में बच्ची के इलाज हेतु तहसील कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों पटवारियों द्वारा 27,000 रूपए दिए गए। वही तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान का 3,31,000 रूपए का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से होशंगाबाद कलेक्टर को भेजा है। वही रेडक्रॉस से भी सहायता का प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि उक्त बालिका के उपचार में प्रतिदिन लगभग 38,000 रूपए का खर्चा आ रहा है। वही परिजनों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे इसे वहन कर सके। सिवनी मालवा SDM ने समस्त नगर वासियों से अपील की है कि यदि कोई भी व्यापारी, समाज सेवी या अन्य कोई वर्ग उक्त बालिका के इलाज हेतु सहयोग करना चाहे तो वो स्वेच्छा से उनके पिता के खाते में राशि जमा करवा सकता है या SDM कार्यालय आकर राशि दे सकता है। उक्त राशि को बालिका के उपचार हेतु भेजा जाएगा। बालिका के उपचार के लिए यदि कोई भी राशि जमा करवाना चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर 3160683703 जो कि संजय कैथवास के नाम से है, उसमें जमा करा सकता है। मंडी में संजय कैथवास हमाल का काम करते हैं। इनकी बच्ची रियांशी GB सिंड्रोम एक गंभीर बीमारी है, इससे ग्रसित है और भोपाल मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। प्रतिदिन उसका खर्च 38,000 रुपये आ रहा है। अब इतनी बड़ी रकम जो है उसके बलबूते की बात नहीं है। मेरी सभी से अपील है कि जो इसमें कोई मदद करना चाहें वो आगे आएं, मदद कर सकते हैं।